राजस्थान की पावन धरती पर यह दूसरे नंबर पर कहलाने वाला जवाई डैम है, जो अपनी खूबसूरती और आकार से भारत के कई इलाकों और राज्यों को आकर्षित करता है। कहते हैं कि राजस्थान के 3 राज्यों में यह पीने का पानी प्रदान करता है। बारिश के टाइम यह डैम भर जाता है और इसी प्रकार राजस्थान के सबसे बड़े दूसरे डैमों में से यह एक कहलाता है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जवाई बांध की सवारी करने वाले हैं, जो कि फालना डिस्ट्रिक्ट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही है, करीबन 35 किलोमीटर अराउंड। तो अभी मेरे पीछे जो पहाड़ देख रहे हो, ये जवाई बांध की पहाड़ है। रास्ते का वीडियो मैंने बनाया नहीं है, सो अभी हम जवाई बांध पे जाने वाले हैं। कल रात को एक्चुअली बहुत ज़्यादा बारिश हुई है यहाँ पे, इस वजह से पानी का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया बता रहे हैं। देखते हैं अंदर अपन को जाने देंगे भी कि नहीं जाने देंगे। बाकी फिर भी मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ आज जवाई बांध। जवाई बांध का जो भी मतलब चलचित्र बना हुआ है ना यहाँ पे, राजस्थान का दूसरा सेकंड बांध ऐसा है जो कि सबसे ऊंचा और सबसे मतलब लंबाई के अंदर चौड़ा बताया जाता है। तो गाइज, उस दिन की तरह आज फिर वही भाई है मेरे साथ में, और ये मेरे उधर का ही है, चड्डा पहन के है ये देखो ये भी मेरा ही है। और यहाँ पे आपको शॉप्स मिल जाएंगी नाश्ते वास्ते की, और इस साइड अपन को जाना पड़ेगा। ये जवाई बांध के ऊपर जाता है, वो थोड़ा सा झलक दिख रही है, वो जवाई बांध की है। और यहाँ का लास्ट टाइम वो 6 बजे के बाद में मतलब गेट बंद कर दिया जाता है, ये जो मेन गेट है इसका। क्या मसाला रेडी हो रहा है हमारे इस जमूरी के लिए, ये देखो गंगानगर का ये, और ये तो आप जानते ही हो मेरे पिछले वाले वीडियो के अंदर थे। चना मसाला खा के अपन ऊपर चढ़ने वाले हैं इस जवाई बांध की। सो गाइस, जवाई बांध के गेट से एंटर होते ही आपको कुछ ऐसा दृश्य दिखेगा जिसमें आपको ये देखो, ये बंदर दिखेंगे। बंदर नहीं है, ये लंगूर है। लंगूर देखो कैसे देख रहे अपनी तरफ, बहुत सारे दिखेंगे। यहाँ पे पॉपकॉर्न्स मिलते हैं, तो वो अगर आप लेके आओगे तो ये आपसे छीन सकते हैं, मोबाइल भी छीन सकते हैं। मैंने हैवी मतलब टाइटली पकड़ा हुआ है, ये देखो इसे लात छोल देख रहे हैं ये देखो पेड़ पे बहुत सारे होंगे, ये देखो ऐसे बैठे रहते हैं। इनको पॉपकॉर्न दोगे तभी मतलब जो भी आपके हाथ में चीज रहेगी वो छीन लेते हैं। एक वो बैठा, वो देखो उसके अंदर बीच में बच्चा बैठा है छोटा सा, मतलब ये बंदर बहुत सारे मिलेंगे। वो देखो वो बच्चे उधर, आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, ये देखो ये इस पे बहुत सारे बैठे हैं, बच्चे भी हैं इनके छोटे 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 छोटे। ये पता नहीं काय का पेड़ है, बट फिर भी तो जवाई बांध का ये दृश्य मेरे को सबसे अच्छा लगा कि घुसते ही आपको बंदर दिखेंगे बहुत सारे। बाकी इधर आसपास आपको पहाड़ भी बहुत सारे दिखेंगे इस साइड में। और ये हमारे देसी लोग बबुआ टाइप, ए बबुआ इधर से ही जाएंगे, इधर से ही जाएंगे। इस साइड कंट्रोल रूम है, गुलाब बाग मोती महल ये इस साइड में है। कंट्रोल रूम इधर है, जो कि जवाई बांध का कंट्रोल रूम, पानी के बहाव के लिए जो भी होता है जो सिस्टम है वो वाला। बंदर काफ़ी देखने को मिलेंगे इधर। बाकी यहाँ का जो व्यू है ना वो बड़ा बहुत शानदार है, बहुत अच्छा बंदर है। ये हमारा बंदर है एक्चुअली गाइज, कल रात को बहुत भयंकर वाली बरसात हुई थी यहाँ पे, तो ये वाले दोस्त और ये बीच वाला है ना, ये पानी में बहने वाले थे। मतलब रात को 12 बजे जब ये घर पे गए थे ना, तो ये बोल रहे थे कि इसके बीच में से एक नदी, मतलब जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ के बीच में एक नदी जाती है, तो उसका बहाव बहुत ज़्यादा तेज था। अभी हम सुबह आए तो इतना कम था, बाकी बहुत ज़्यादा तेज था। तो ये बीच वाला ये पतला बहुत है ना, तो मतलब ऐसे डर लगता है कि कहीं ये बह नहीं जाए, तो इस वजह से इसको बीच में मतलब बैठा के लेके आए अभी कि तू डर मत भाई। बाकी तो ज़्यादा ही मोटा है ना, होने में ऐसे गाइस ऐसे फालतू का बोले रखता है। गेट खुलते हैं ना, ये देखो सामने गेट बने हुए हैं इस पे। अब वो पता नहीं काउंट करेंगे कितने गेट बने हुए हैं। तो ये जो यहाँ का जो एरिया है ना, ये पूरा का पूरा, हाँ 13 गेट बता रहे हैं ये, बाकी अपन देखेंगे बाद में। तो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ का एरिया, ये पूरा पानी से भर जाता है, ये देखो ये टोटल पानी से भर जाता है। तो गाइज, यह जो ऊंचाई दिख रही है, ये कम से कम मेरे को लगेगी यहाँ की 80 या 90 फीट ऊंचाई है, जिससे अपन सीढ़ियों के द्वारा चढ़ेंगे। ये देखो इस टाइप से सीढ़ियाँ बनी होगी और उससे चढ़ना पड़ेगा अपन को ऊपर जवाई बांध के लिए। बाकी यहाँ की एंट्री अपन को मिल चुकी है, क्योंकि बारिश के कारण बहाव तो तेज़ था, बाकी एंट्री मिल चुकी है। बाकी अंदर जाके देखते हैं कि कितना फीट पानी जो है वो जवाई बांध के स्तर से थोड़ा ऊपर आया है। इस टाइप से देखो पूरा सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ ऊपर, यहाँ पे चलना है अपन को इसके ऊपर पूरा टोटली। सो फाइनली दोस्तों, दिस इज ए जवाई बांध पूरा। इसकी ये जो लंबाई है, ये जो आपको दिख रही है इधर से, पूरा 1 किलोमीटर तक लंबी है, वहाँ तक उधर तक पूरा 1 किलोमीटर तक ऐसे जाना पड़ता है। और इसके आसपास का जो एरिया ये है पहाड़ी एरिया। गेट खोलने पर आपको ये जो दिख रहा है ना, ये टोटल भर जाता है, पूरा टोटल भर जाता है। बाकी इसके इस साइड में भी और इसके राइट वाली साइड में भी आपको पहाड़ी दिखेगा, बाकी पानी देख सकते हो आप। क्या गजब सीन है ना।
दोस्तों ये वाला पहाड़, ये पानी, ये वाले पहाड़ और इस साइड पूरा 1 किलोमीटर तक लंबा वो वाले पहाड़, मतलब जब भी इसका पानी का स्रोत बढ़ता है तो वो वाले गेट खोल दिए जाते हैं और ये पानी पूरा आगे तक जाता है। इसके 3 पुल बने हुए हैं सामने ट्रेन का, उसके बाद में 2 पुल इसके आने जाने के रास्ते के बने हुए हैं। सो फाइनली देख सकते हो आप पूरा जवाई डैम, राजस्थान का दूसरा एकमात्र ऐसा डैम है जिसकी लंबाई और जिसका पानी का स्रोत है वो बहुत इकट्ठा होता है। यहाँ पे जितने भी पहाड़ है ना, पूरी अरावली पर्वतमाला इसके पीछे, जब भी बारिश होती है उसका टोटल पानी इस जवाई बांध के अंदर इकट्ठा होता है यहाँ पे। और जब इसका मतलब इसका स्रोत जब बढ़ जाता है तो इसको खोल के आगे की तरफ, मतलब इधर पाली साइड जोधपुर बाड़मेर की तरफ, मतलब इसका जो पानी है वो निकाल दिया जाता है। बाकी बारिश तो हुई है वो तो बात ठीक है, आगे चल के भी देखते हैं क्या पता शायद उधर वाली साइड जो डैम है उस वाली साइड क्या पता पानी का जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर हो, क्योंकि ये काफ़ी लंबे एरिया के अंदर फैला हुआ है तो इसका अपन अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और दूसरी बात मैं आपको दिखाने वाला सीन देखो, यहाँ की ये जो दीवारें हैं ना ये कम से कम 4-4 फीट तक है। ये देखो मतलब उधर वाली साइड भी नहीं जा सकता बंदा नीचे गिरने, इधर वाली साइड भी नहीं जा सकता। तो ये टोटल पूरा ऐसे बस एक गली टाइप बनाया गया है, जैसे एक रास्ता पथमार्ग जिसको बोल सकते हैं अपन। और इस साइड में आप ग्रीन ग्रीन पानी देख सकते हो, टोटल ग्रीन पानी है ये टोटल। गाइस एक एक्साइटेड चीज़ दिखाता हूँ, वो रहा वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, थोड़ा जूम करता हूँ दिखाता हूँ मैं आपको, वो रहा उस साइड के अंदर एक मगरमच्छ है वो तैर रहा है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बाकी मतलब कैमरे में शायद नहीं रिकॉर्ड हो रहा हो। और आगे की तरफ आप अरावली पर्वतमाला देख सकते हो, हिल्स देख सकते हो, टोटल ये जो आगे है ना पूरा अरावली पर्वतमाला का घेरा हुआ एरिया है टोटल। अरावली पर्वतमाला में तो अभी भी बारिश हो रही है उधर, और इस साइड आता है टोटल पानी इसका, मतलब छोटी छोटी नदियों से होते हुए ये पानी सारा आके यहाँ इस बांध के अंदर इकट्ठा हो जाता है। आगे भी एक बांध बनाया गया है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, तो उस साइड में भी एक बांध है जिसने इस पानी को रोका हुआ है। उधर भी एक डैम, मतलब जैसे ये गेट्स बनाए गए हैं डैम के गेट जो होते हैं, तो उससे भी पानी को उधर वाली साइड निकाल दिया जाता है। एक्चुअली दोस्तों सुबह के मॉर्निंग के अभी 11 बज रहे हैं तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बोलते हैं कि शाम को यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है, और मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना जैसे 7 से 8 बजे का, तो उस टाइम यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है इस बांध के ऊपर। मॉर्निंग का टाइम तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि ठंडा एरिया है, इस वजह से सुबह सुबह ज़्यादा आते हैं लोग, और शाम को इवनिंग टाइम में भी क्या होता है सनसेट का जो पॉइंट है ना वो शायद अच्छा दिखता है यहाँ पे, इस तरीके से ज़्यादा लोग आते हैं इधर इसको देखने के लिए, क्योंकि पीछे की साइड पूरा का पूरा पानी, आगे की साइड पूरे के पूरे पहाड़ और बीच में सिर्फ हम और सनसेट पॉइंट, क्या ही शानदार सीन होगा। बाकी मैं सनसेट तक नहीं रुक पाया यहाँ पे, क्योंकि 3:30 बजे की मेरी ट्रेन है तो मुझे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे भी जाना है, इसलिए तो मैं मॉर्निंग टाइम में इधर टाइम निकाल के आ गया। बाकी अपन गेट की तरफ जा रहे हैं तो देखेंगे कि गेट कितने बने हुए इसके अंदर, टोटली गिनेंगे, 13 गेट बता रहे हैं, तो उधर जाके पता चलेगा कि 13 ही गेट है या फिर इससे ज़्यादा है। तो उस साइड में भी अपन पानी का स्रोत देखेंगे कि कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है बारिश की वजह से। कल ये लोग आए थे, ये जो 2 लोग थे ये कल आए थे, तो इन्होंने कम ही बताया था, अभी भी यही बोल रहे हैं कि बारिश का जो पानी है वो थोड़ा सा लेवल तो बढ़ा ही है इसका। गेट दिख रहा है आपको ब्लू कलर का, ये इसका लास्ट पॉइंट है, इसके बाद में ये देखो ये आगे गेट स्टार्ट हो जाते हैं, ये आपको जूम दिखाता हूँ करके, ये वाले ये टोटल 13 गेट है, सॉरी 13 गेट है। और उसके बाद में उधर से भी एक लाइन आती है घूमने के लिए, वो उधर वाले लोग आते हैं मतलब इसके राइट साइड से। और बाकी इसका थोड़ा हिल्स देख सकते हो, पानी देख सकते हो पूरा का पूरा, और दोनों तीनों तरफ इसके हिल्स ही हिल्स हैं। ये देखो इधर वाली साइड भी हिल्स है, बहुत लंबे लंबे और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इधर। देखो बस आपको जवाई बांध के अंदर, जवाई डैम के अंदर सिर्फ यही देखने को मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको एक एक्साइटेड चीज़ भी दिखाता हूँ यहाँ की, वो है ये वाली देखो, ये इसके डैम की ऊंचाई, और ये देखो आप मतलब इस वाली साइड से कम 80 फीट ऊंचाई है इसकी, और इसका बनाने का जो तरीका है ना टोटली पत्थरों से बनाया गया है, और इसकी नीचे का जो हिस्सा है वो आप देख सकते हो इस तरीके से है थोड़ा। इधर पार्क वार्क बने हुए हैं, ये देखो इधर रहने के लिए थोड़ा, जो यहाँ के कंट्रोल रूम के अंदर जो जिनकी जॉब लगी हुई है वो भी इधर ही इधर वाली साइड में रहते हैं। उधर वो देखो एक पथमार्ग रास्ता भी है, और उधर वाली साइड एक पुल बना हुआ है, और वो देखो वो वहाँ पे जो ट्रेन वाला रास्ता बनाया गया है इधर। बाकी इधर भी आपको सिर्फ हिल्स देखने को मिलेंगी। ऊंचाई का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ तक इतनी लंबी ऊंचाई है इसकी, कम से कम 80 से 90 फीट ऊपर हम इसके खड़े हैं यहाँ के नीचे के लेवल से, देख सकते हो। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा जवाई बांध, राजस्थान का 2nd नंबर बांध जो सबसे ऊंचा और सबसे लंबा है, कैसा लगा भैया? तन्ने बिल्कुल मस्त, गजब वाला है, इधर जरूर आना। अभी अपन जा रहे हैं लेपर्ड देखने, एक फ्रेंड और आ रहा है उसको साथ में लेके, तो देखते हैं उधर भी जाके देखेंगे चीता भी तब दिखता है कि नहीं दिखता। ओके मिलते हैं उस वाली लोकेशन पे, तो बने रहिए, तब तक के लिए एक लाइक ठोक दो। हेलो, कल क्या होगा?
बस 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 चल आगे गाना तो गा साले।